तुझे गोरी की आदत कैसी हो रही? रो रो कर गोरी? कौन मारा है मेरे बेटे का? कुकोला भाई गोली क्या पैर पे पूरे गरम हो रहे? अच्छा दवाई तो दे रही है, आराम नहीं लग रहा भाई। अरे स्कूल तभी आ गई। स्कूल से आ गए आप? आज जल्दी को हुई छुट्टी, आपके टेस्ट चल रहे हैं इसलिए आपकी जल्दी छुट्टी हो जाए। आप जा है ना, तो वही पीयू के टेस्ट चल रहे हैं। कैसा गया टेस्ट? अच्छा, मेरा नहीं गया और बच्चों का गया गंदा, और आपका अच्छा गया बिल्कुल सुपर। मैम मेरा नहीं गया। और नाम लिख के दिखाइयो। नाम लिख के दिखा दियो। अच्छा दिखा दिए पेपर में? तभी से इतना नहीं पता। और मैंने नाज खिला दिया और कपड़े भी धुल दिए और अब मुझे बनाने की। चिड़चिड़ी सी हो रही है बस। यहाँ पे हमारा दूध पक चुका है और ये देखो गर्मी में घी कैसे पिघल रहा मलाई पे से, और इसको करना है मुझे अब ठंडा ठंडा करके रख दूँगी फ्रिज में ताकि ख़राब ना हो। गर्मी काफ़ी हो रही है और इधर आज मैं बना रही हूँ तहारी, तो हमारे यहाँ खिचड़ी बोलते हैं। तो चावल मैंने वॉश करके रख लिए थे देखो, और अच्छे से फूल भी गए। और ये आलू और इधर हमारे जो टमाटर है अच्छे से रख देंगे, तो मसाले वगैरह सब कुछ डाल दिया मैंने इसमें। उसके बाद में इसमें डालेंगे आलू और फिर एक सीटी लगानी है। तो जी खाना तो बन चुका है, तो खाने में बनाई है खिचड़ी, तो सुबह नाश्ते में बनाए थे पराठे। तो अब गर्मी काफ़ी हो रही है तो इस वजह से थोड़ी सी पीली वाली खिचड़ी बना ली मैंने। और अब कर देते हैं किचन को साफ, और किचन साफ करने के बाद में बर्तन वगैरह वॉश करने हैं क्योंकि वंदना की डैडी को अभी नहीं आई है खेत से, तो ये खाना खाने के लिए आएगी और दोपहर में आराम। और उसके बाद में हाँ जी तो जी चलो, और बाहर मैंने नाज फैला दिया है तो उसको सूख जाएगा तो कल धुला था। इतनी अच्छी हवा चल रही और धूप हो रही है काफ़ी तेज, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है नाज और पतली उड़ जा रही है, हवा तेज है और कपड़े भी धुल गए थे और कुछ इधर पड़े हुए हैं धुले हुए, और धूप देखो कितनी तेज। और ये देखो ये झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, और ये बोतल भर दी है उसे रखना है फ्रिज में, और इसमें पानी पिया था अभी कटोरे में, तो ये चलते हैं लेकर फ्रिज में। और झाड़ू पोछा सब क्लीन हो रहा बिल्कुल, तो ये फ्रिज में रख दिया है सामान। और देखो हमारे फ्रिज का गेट टूट गया, तो ये देखो नुकसान पर नुकसान हो गया, ये सारा टूटा पड़ा है और गेट वगैरह है, और ये है फूट। तो ये फ्रिज में ठंडी होने के लिए रख रखी है मैंने। इसमें है हरी मिर्ची, ये देखो पन्नी रख रखी, और ये देखो ये बंद नहीं होता है ऐसे, ये ऐसे खुल जाता है, इसको बंद करने की कोशिश करते हैं, ये सारा ही डलेगा। तो ये ना मिला नहीं था तो इस वजह से साथ साथ ये भी ठीक हो जाता तो अच्छा था। और इधर दूध रखा मैंने यहीं पर लाकर ठंडा होना, क्योंकि इसमें रखे हुए खीरे और टमाटर ठंडे होने के लिए, तो एक खीरा निकाल लेते हैं, इसको छीलना है और वॉश करके मैंने फ्रिज में रख लिया था। और देखो कम बिल्कुल क्लीन हो रहा है, चकाचक बिल्कुल साफ। आप लोग ये बोलते हो कि अलका तो अकेली ही रहती है छत पर फर्स्ट फ्लोर पर, तो ऐसी कोई बात नहीं है, जिसका जहाँ मन करता है वो वहीं पर रह लो, तो ये तो सबकी मर्जी है। तो ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है रहती है हो रही क्या रहती है, तो इस वजह से सब ने अपनी मर्जी से जहाँ जिसको रहना है, तो शादी से पहले ही छांट की गई थी, तो वंदना के डैडी ने ऊपर ही अपना रूम चुना था, तो इसलिए हम ऊपर ही रहते हैं। तो हम ऐसे नहीं कि भाई नीचे रहो ऊपर रहो, तो नीचे भी भाई इतने रूम तो खाली नहीं आए जो हम भी जाके नीचे रह लगेंगे। तो एक में तो खेत वगैरह का ही सामान आ जा, और तीन रूम हैं ही सबके अपने अपने,
और इसलिए, और ये कहते हैं कि हल्का ऊपर ही ऊपर साफ रखते हैं, नीचे नहीं, ऐसी बात नहीं है, नीचे भी सफाई करते हैं हम जाके। और ऊपर का फ्लोर है इसलिए साफ रहता है क्योंकि ऊपर पशु थोड़े ही बनते हैं, तो पशुओं के साथ में ही तो गंदा होता है, तो बच्चों ने कर दिया तो एक दो बार तो साफ भी हो जा। और पशु तो हमने साफ किया, फिर गोबर वगैरह घास वगैरह फिंडा देते हैं, तो इसलिए नीचे का फ्लोर इसलिए गंदा हो जाता है जल्दी ही। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नीचे साफ नहीं करते, सब मिलकर साफ करते हैं, तो साफ ही रहता है वैसे तो भाई। तो जब बच्चे हैं और पशु है तो गंदा तो होगा ही। और हमारे जो है कोई भी कमरा बटा हुआ नहीं है कि हल्का को ऊपर इतने सारे मिल गया और हल्का ऊपर केली रवे और ये रवे और केली ऊपर रहती है सारे को, हल्का को इतने सारा मिला है और नीचे रेणु को और उनकी जेठानी को बड़ी वाली को, और उन्हें बिल्कुल भी एक का कमरे में एडजस्ट कर रखा है, तो नहीं जी नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जिसकी जहाँ इच्छा है, तो ऊपर कोई आना नहीं चाहता इतनी गर्मी में, सबसे बड़ी दिक्कत यह है। यानी ऊपर रहने को किसी को मना नहीं है, जहाँ किसी का मन करेगा रह लो, ऊपर का रूम खाली पड़ा हुआ, बस इसमें हमारे जो है सोफे पड़े हुए हैं बस, और हमने इसमें फ्रिज रख लिया, और कुछ नहीं है हमारा यहाँ का सामान, सब हमारा रूम में ही है और किचन का सामान किचन में ही है। तो जी चलो अब चलते हैं, और अब मुझे खीरा कट करना है, और पीयू को दे दिया है खाना, तो पीयू स्कूल से आई थी तो उसको भूख लग रही थी। थ्री सेवन पर पढ़ो, सेवन हाँ नाइन है वो, टेन यू अलेवन ट्वेल्व ट्वेल्थ बाद में थर्टीन फोर्टीन हाँ। तो जी वंदना का है कल को इंग्लिश का जो है टेस्ट, और वंदना को याद करवा रही हूँ मैं, तो ये अपनी मर्जी से वन टू याद कर रही, तो इसको इंग्लिश में याद कराना मुझे, ए फॉर एप्पल, और भी फ्रूट्स वगैरह नेम और वेजिटेबल बहुत सारी चीज़ है जो इसको याद करानी है संडे मंडे। तो जी अब वंदना की और ज़्यादा ध्यान है, तो जी चलो इसकी टेस्ट की तैयारी भी करानी। तो आज पीयू का ओरल था है ना, ऐसे अनार का ओरल, और कल था इसका हिंदी का राइटिंग वाला। तो जी यहाँ पे मैंने गोरी को सुला दिया, तो इसको दवाई वगैरह देकर सुलाया है, तो तब तक थोड़ी मोटी देर जो सोएगी तो तब तक काम भी देखना पड़ा है, और पीयू को अभी होमवर्क वगैरह काम देखना पड़ा है। तो चलो यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड, तो पीयू बाय बाय।